स्वागत है आप सभी का दोस्तों एक बार फिर से मेरे चैनल पर, और मैं हूं आपका अपना दोस्त अरविंद राणा। सो दोस्तों, जासू पास का ट्रैक ख़त्म करते ही मुझे फ़ोन आया मनी का कि भाई कहीं घूमने निकलना है। तो अभी हम इतना ही थक के पहुंचे था घर पर और फिर निकल चले। हम तो हैं ही वैसे घुमक्कड़ घुमंतू, जिसे बोल सकते हो द वॉन्डर। सो हम फिर एक बार पहुँच गए हैं आपका जो मेरा होम टाउन है, वहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी पर। तो ये जगह है रुवांडा वैली, कमरू नाग वैली। तो इस घाटी में हम पहुंच गए हैं, तो देख सकते हो किस तरह के नज़ारे हैं इस जगह के। स्वागत है सभी का दोस्तों मेरे चैनल पर एक बार फिर से, और मैं हूं आपका अपना दोस्त अरविंद राणा, और ये है हमारे छोटे भाई मनी और बंगालिया मनित पॉल बंगालिया। ओके सो दोस्तों, आज हम आप पहुंचे हैं आपका कमरू नाग वाली तरफ, और ये है आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट में। और अगर आप जाते हो जैसे कि अपना शिमला की तरफ चाहल चौक से होके, तो ये जगह आपको मिलती है बीच में। तो हम आज कवर करेंगे दो डेस्टिनेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो है वो है कमरू नाग, आफ्टर दैट हम जाएंगे महोनाग। तो हुआ कुछ यूं है, हम रात को ही यहाँ पे पहुंचे थे। सॉरी ब्रो, बीच में टोकता हूँ, और दो डेस्टिनेशन और हैं, मगरू महादेव एंड ममलेश्वर महादेव। ठीक है, ममलेश्वर महादेव, तो वो दो चीज़ें वो भी हम कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक स्टोरी हुई है हमारे साथ की, आज हुई थी अचानक से बारिश। तो हमारा कुछ प्लान यूं था कि हमने स्टे करना था कमरू नाग में ही, मतलब कैंप वगैरह पिच करके वहाँ भाई, लेकिन कुछ ऐसा हो नहीं पाया। और फिर हमने जो एक यहाँ पे जगह है वो रुवांडा एक जगह है, तो उस जगह पे हमने स्टे करने के लिए होटल्स देखे। होटल वगैरह हमें कोई अच्छे हाइजीन नहीं थे, काफ़ी अच्छे नहीं, कुछ नहीं मिला। तो फाइनली हमें एक PWD रेस्ट हाउस के थ्रू आउट, वहाँ पे कोई अंकल थे एक नॉन, उन्होंने हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही बेहतरीन रेस्ट हाउस हमारे लिए बुक करवा दिया है। वो इस तरह का है कुछ, वो आपको दिखाते हैं। पहले यहाँ का व्यू ले लीजिए, ये बस ये रहा हमारा कुछ व्यू, और ये 360 डिग्री में हमारे बस ये पेड़ हैं और इसके बीच में, और ये जगह है कमांड। एक जगह है जो रुवांडा से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये जंगल के बीचों बीच ये जगह है। तो हम आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपना रूम का व्यू दिखा देते हैं कि किस तरह का हमारा रूम है। तो ये हमारे दो मित्र का नाम मिले हैं, इन्होंने हमारे लिए आज ये बुकिंग करवाई हुई है। आपका नाम है अश्विनी, और सर का नाम है मेहरचंद। थैंक्स अ लॉट आपका दोनों का कि आपने हमें यहाँ पे इतनी अच्छी जगह ये दी। और इसी के साथ आप दिखाते हैं, हम जो किचन में आप खुद ही बना रहे हैं, जो भी है क्या बन रहा है हमारे किचन में। तो ये बन रही है हमारी दाल, और खुद ही बना रहे हैं, सारा का सारा जितना भी हैंडओवर है अब इस रेस्ट हाउस का हमारे पास है। और अब दिखाते हैं हम आपको रूम, तो ये हमारा रूम रहा। चल थोड़ा मैसी कर दिया हमने आते ही, ठीक है, मतलब इतना सही पूरा का इंटायरली हमें मिल गया है, और क्या चाहिए। वॉशरूम काफी अच्छे हैं, इतना स्पेसिस है, 360 डिग्री पे आपको मतलब पेड़ मिल रहे हैं, और क्या चाहिए। तो दोस्तों बने रहे मेरे साथ, पूरी की पूरी वीडियो में आपको बताऊंगा। बाय बाय। मनी कैसी मनी खाना? बढ़िया, अपने हाथों से शेफ ऑफ द डे। सो दोस्तों, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी, पूरा दिन हो गया था। सुबह ही हम 3 बजे पहुंचे थे यहाँ पे सवेरे के, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू बारिश और बारिश, और किसी हॉन्टेड मूवी की सीन की तरह हमारा जो रेस्ट हाउस था वो पूरे गांव से दूर काफ़ी एक हाइट में और जंगल के बीचों बीच था। बस हम ही दो लोग थे यहाँ पे, जो यहाँ पे हमें छोड़ने आए थे वो तो यहाँ से चले गए, लेकिन रेस्ट ऑफ द थिंग हमने काफ़ी इंजॉय किया इस जगह। पूरे हमारे छोटे भाई की 3 पैग लगने के बाद पूरी गायकी बाहर आ रही है बहुत ज़बरदस्त ढंग से, और ये चाचा जान भी पूरे खुश हैं जो यहाँ के केयरटेकर हैं, और ये फुल ऑन एंजॉय कर रहे हैं भाई साहब, देख ही लो।
सुबह हो चुकी है और बहुत ही ज्यादा प्यारा मौसम है इस टाइम। इतना प्यारा मौसम है कि क्या बताएं यार, धूप भी है और मतलब सीरियसली बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नीला नीला आसमान है। ये जा रहे हैं कमरूनाग के लिए और अभी हम जिस जगह पे हैं, ये जगह है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जगह है आपका कमांड करके जगह है, कमांड इसका नाम भूल रहा हूँ मैं बार बार, कमांड है ये जगह और ये हमारा स्टे था यहाँ पे। तो नेक्स्ट यहाँ से अभी हमें जाना है 10 किलोमीटर्स ड्राइव करके, फिर हमने ट्रैक स्टार्ट करना है, तो बने रहे मेरे साथ, बताते हैं आपको ये पूरी फुल इन्फॉर्मेशन कि कहाँ से क्या स्टार्ट करना है और किस तरह के नज़ारे हैं जगह पे। और अभी तो मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहाना है, मतलब बादल भी हैं, हल्की सी धूप भी है और कुछ इस तरह से हो रखे हैं नज़ारे। तो जर्नी हो गई हमारी स्टार्ट, ये खूबसूरत नज़ारे और ये प्यारी सी वादियाँ और ये भयंकर सा रास्ता। जय बाबा कमरूनाग। दोस्तों ये रहा कमांड स्कूल और इसी जगह पे हम रुके थे, ये जिला मंडी में आता है। ये ऐसी मंडी की वो जगहें हैं जिन्हें लोग कम ही जानते हैं और बहुत खूबसूरत जगह है ये, तो बने रहे साथ हमारे। ओए यार नाइस फील। सो दोस्तों ये है कमांड गांव और ये जिला मंडी में है और देख सकते हैं कि किस तरह का है। और अभी यहाँ से कमरूनाग जी का जो ट्रैक है वो 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तो देखिए किस तरह का गांव है और किस तरह का जनजीवन है यहाँ का, कितनी खूबसूरत वादियों में ये लोग रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है यार। जिस तरफ नजर जाओ हर जगह हरियाली हरियाली और ये खुला आसमां प्यारा सा। तो दोस्तों ये रहा कमांड, यहाँ से 5 किलोमीटर जहाँ पे हमने स्टे किया हुआ था, और ये रहा आपका चौकी रेस्ट हाउस, इसको क्रॉस होना तेरे को जरूरी था, जाओ जाओ। तो यहाँ से ही मतलब ट्रैकिंग स्टार्ट होती है, 350 मीटर दूरी पे हमें अभी और जाना है, फिर उसके बाद बताते हैं आपको। तो यहाँ से ऊपर को जाएंगे हम अभी ये। सो दोस्तों अभी हम खाना खाने के लिए रुके हैं इस जगह पे, ये तेरी ये बाबे। दोस्तों अभी हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है कमरूनाग के लिए, बस थोड़ी देर में हम गाड़ी पार्क करके यहाँ पे देखिए यहाँ पे रेस्ट हाउस है वहाँ पे पार्क करेंगे और फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे अपना ट्रैक। तो लगभग हमें यहाँ से 3 से 4 घंटे बताया लोकल्स ने, यहाँ पे हमें 3 से 4 घंटे लगेंगे इस जगह पे। तो ये मेरे पार्टनर हैं आज जिन्होंने मेरे साथ ट्रैकिंग करनी है, ट्रैकिंग पायलट मनित के साथ, को पायलट अरविंद राणा। बहुत ही खूबसूरत नजारे हो इस जगह पे हम लगा देंगे। चाचा बोलना कहाँ पे लगानी गाड़ी, बोलना पूछ ले। चाचा जी गाड़ी लगानी थी यारो, गाड़ी लगानी थी कहीं भी लगवा दो, ऊपर तो जाना कल भी तो आए थे। बढ़िया 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 शानदार जगह। ये हमारे चाचा जान है यहाँ पे, चाचा जान और ये घावड़े। सो दोस्तों ये है चौकी का रेस्ट हाउस, आप यहाँ से भी ट्रैक स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आप मेन रोहांडा से एक जगह
वहाँ से ट्रैक स्टार्ट कर सकते हो और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है ये। साथ में है ये सेब, छोटे छोटे टाइनी सेब्स, वो साथ में ये घोड़े बहन के डैश। तो दोस्तों अभी ये जो जस्ट खच्चर हमारे पीछे दिख रही है, यहाँ से हमने ट्रैक स्टार्ट करना है, इसी की तरह हम चढ़ के जाएंगे बिल्कुल। हेलो खच्चर, हाउ आर यू? ये रही जगह, ओ ये, और ये रहा पॉइंट, यहाँ से हमने चढ़ के जाना है। सो दोस्तों हमारी ट्रैकिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है, और रास्ता ठीक है, मॉडरेट है, दोस्तों चौकी रेस्ट हाउस से लगभग 6.5 या 7 किलोमीटर की दूरी पर है जो कमरूनाग और लेक है, तो हम वहाँ पे पहुँचेंगे और आपको दिखाएंगे खूबसूरत नज़ारे वादियों के, कमरूनाग जी के दर्शन करवाएंगे। तो अभी हम पहुँचे हैं बनबाली गांव में, ये छोटा भाई इसी ने हमें नाम बताया गाँव का, और इसको भी जाने दे, क्यों तंग करना। और यहाँ पे हैं ये छोटे मोटे गोट जो मारियाना गोट है, और ये कुछ ये फिल बोलते हैं इसको पहाड़ी लैंग्वेज में, तो हमारे साइड भी होती है बट लेकिन उसका जो कलर अलग होता है बिल्कुल। सो दोस्तों आधा रास्ता हमने तय कर लिया है और अभी हमें 50% और चढ़ के हाइक करके जाना है, काफ़ी दुर्गम रास्ता होता जा रहा है ऊपर चढ़ते चढ़ते। और ये बनबाली गांव तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और काफ़ी घर हैं, मतलब लगभग आपको जो मेन रोड था वहाँ से ये लगभग कोई 4 किलोमीटर की दूरी पर, 3 से 4 किलोमीटर की दूरी में जब हम पहुँचे तो वहाँ पर ये घर थे। नहीं अभी नहीं। सो दोस्तों अभी हमें 1 घंटा और लगेगा इस जगह से, हमें नीचे गांव वाले मिले थे तो उन्होंने हमें बताया कि लगभग 1 घंटा और है यहाँ से। कौन सा गांव था वो मनीत? बनवाली गांव से, और इस तरह का कुछ घना जंगल है ये।